इंद्री में जेजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जेजेपी के नेता एवं पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सम्मेलन में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने 22 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस रैली के सामने रोहतक में हुई पीएम मोदी की रैली और दूसरी पार्टियों की रैली फीकी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को प्रदेश से भगाने के लिए सबसे पहले करनाल जिले में ही मुख्यमंत्री की घेराबंदी करनी होगी। उन्होंने भाजपा सरकार के 75 पार के नारे पर कटाक्ष किया और कहा कि जनता ने भाजपा को 75 पार नहीं बॉर्डर पार भेजने का निर्णय किया है। जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन जो 22 सितंबर को रोहतक में मनाने जा रही है, उसी संदर्भ में आज कार्यकर्ता को सभी को बुलाकर उनको जिम्मेवारी देने के लिए और पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए आज का ये जो हमारा कार्यक्रम था, हमने तो हमेशा ही चाहे इंडियन नेशनल लोकदल में हमने लगातार 25 साल काम किया है, तब भी हमने जो भी पार्टी ने हमें जो भी हमें काम सौंपा हमने उसको तय दिल से निभाने का काम किया है और आगे भी जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत जी के साथ खड़े हैं। ठीक है, तमाम कार्यकर्ताओं की आज बैठक ली आगामी 22 तारीख को होने वाले जन सम्मान दिवस के निमंत्रण के। आज प्रदेश बदलाव चाहता है। देश का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको 5 साल में बर्बाद करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। नाल को मुख्यमंत्री का जिला मानते हैं, इसकी घेराबंदी तोड़ने का काम करे। जो आज ताले लगा रखे हैं करनाल के विकास में, चाबी के वो ताले खोलने का भी एक एक साथी लोग 75 छोड़ो, इनको वापस 4 पे भी शायद आने का मौका ना दे। नीयत साफ होती तो हरियाणा प्रदेश में से 80 में से 2 ही बच्चे हरियाणा के क्यों लगते। NRC हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट करना क्या इतना ज़रूरी था कि विधानसभा से चुनाव से 4 दिन पहले उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। कांग्रेस पिछले 3 दिनों से प्रोग्राम कर रही है, अगर कहीं उनको मजबूती मिलती दिखती तो आज वो चर्चा में होता। केवल मात्र पद पे बैठाने से या पद बदलने से जनता की भावनाएं नहीं बदल सकती। कांग्रेस का तो वही हाल होगा जो लोकसभा में पूरे देश में कांग्रेस को देख। आज न्यूज के लिए इंद्री से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।